बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होलोस्फेयर का पोटेंशियल कैसे आप निकाल सकते हो। अपन जानते हैं कि होलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है, और बाहर जो होती है आउटसाइड पे वो होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे आर इसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज वी मूव फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, हम पी से चल के इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो इस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस तरफ ही होगी, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस तरफ ही होगा। तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्री होगा। तो हम लगा रहे हैं डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और बड़ा चेंज निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अच्छा, डीवी डेल्टा वी जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल क्या है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल, और वी इनिशियल क्या है, पी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इंटीग्रेशन ई। अब इसके स्फीयर के बाहर जो ई होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर और डी आर, और एंगल तो 0 है डी आर और ई में, है ना। और आप मान लो इसको अपन एक्स की जगह आर मान लेते हैं डी आर। अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, तो ये 0 रख दिया और माइनस को इधर ले आया, तो के क्यू बाहर 1/r² का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस 1/r, और लिमिट जो होगी वो होगी आर से इन्फिनिटी। अब आप माइनस से लिमिट बदल सकते हो, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर और 1/∞ 0 होता है। तो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर एट आउटर पॉइंट। तो एट सरफेस, एट आर बराबर आर सरफेस पे, सरफेस पे जो वी होगा वो होगा के क्यू बाय आर सरफेस पे, ठीक है ना बात। के क्यू बाय आर सरफेस पे पोटेंशियल होगा, और क्योंकि आर लेस देन आर यानी इनसाइड स्फीयर के अंदर, है ना, तो ई इनसाइड कितना होता है, 0। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो देयरफोर डीवी जो होगा वो होता है ई डॉट डी आर माइनस के साथ, और क्योंकि ई 0 है तो डीवी जो है वो 0 है। इसका मतलब वी कांस्टेंट है, क्योंकि डीवी है ना चेंज है, तो अगर चेंज 0 है तो वी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब वी जो है वो लास्ट टाइम कहाँ पे बदला था, जब हम बाहर से अंदर आ रहे थे तो लास्ट सरफेस तक बदला था, तो सरफेस पे कितना था लास्ट, के क्यू बाय आर। तो जब हम सरफेस के अंदर आ जाएंगे तो वी अंदर हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, तो कांस्टेंट कितना रहेगा, जितना सरफेस पे था, जितना लास्ट टाइम जहां तक बदला था, समझ गए आप। तो वी इनसाइड भी कितना होता है, के क्यू बाय आर, जहां पे आर रेडियस है, तो ये जो है कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल इनसाइड, मैं इसको एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूं कि पोटेंशियल इनसाइड अ होलो स्फीयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल इनसाइड अ होलो स्फीयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक
स्टेटमेंट भी लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। थैंक यू।